संगम नगरी प्रयागराज के SRN अस्पताल मामले में अब नया मोड़ आ गया है। डॉक्टरों पर ऑपरेशन थिएटर में घिनौनी हरकत करने का आरोप लगाने वाली महिला मरीज की सांस थम गई है। पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें, मिर्जापुर की रहने वाली एक युवती लिवर का ऑपरेशन कराने SRN आई थी, जहां ऑपरेशन के बाद मरीज ने डॉक्टरों पर गलत काम करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके भाई ने सोशल मीडिया पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन पीड़िता के होश में न होने के कारण FIR नहीं लिखी गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में 5 सदस्य जांच टीम गठित कर दी थी और जांच में सारे आरोप निराधार बताए गए थे। वहीं आज पीड़िता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब पीड़िता के भाई ने डॉक्टरों पर साजिश कर हत्या का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने कल ही कहा कि मतलब उनकी जान खतरे में है, वो तो रोज का उन लोग का कहना था, और कल बोल रहे थे कि सांस की नली जो है वो गड़बड़ हो गई है और गले में छेद कर फिर से ऑपरेशन करना होगा, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है, इसीलिए हमसे तत्काल साइन भी करवा रहे थे। लेकिन जब हमने साइन नहीं किया तो वो बोले कोई बात नहीं है, नली अभी ज़रूरी नहीं है। पूरी कोशिश थी कैसे भी करके मरीज की जान ले ले, और वही हुआ आज। वहीं अब इस पूरे मामले में SRN अस्पताल के प्रिंसिपल SP सिंह का कहना है कि मरीज जब यहां आया था तब उसकी हालत पहले ही क्रिटिकल थी। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और अब उसके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मरीज की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। देखिए, ये उनकी डेथ होना ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, हाँ जी अफसोस की बात है, क्योंकि कोई पूरी टीम उनके लिए बहुत अच्छे से लगी थी, जी जान की बाजी लगा रही थी, उनको अच्छे से टीम उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनका जब पेशेंट एडमिट किया गया था उस समय से उनकी कंडीशन नाजुक बनी थी, क्योंकि इंटेस्टाइन में परफोरेशन था, परफोरेशन के कारण जब आई थी उस समय साफ कंडीशन में आई थी, और उस समय इनको हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था और उसको TLC था 1300 केवल था, तो उनकी कंडीशन ख़राब थी ज़्यादा, उसको ऑपरेशन तत्काल नहीं किया जा सकता था। एनएससी से बोले पहले इम्प्रूव होने के बाद ही एनएससीसिया दिया जा सकता है, अदर एनएससीसिया देने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको ट्रीटमेंट दिया गया। जब कंडीशन बेटर हुई फिर हीमोग्लोबिन कम होने का ब्लड दिया गया, तब उनको पूरी टीम ने, उसमें 4 सर्जन मौजूद थे साथ में, उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो बीमारी थी परफोरेशन के कारण साफ कंडीशन थी और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन था, इसके कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। वहीं पीड़िता के परिजन मामला दर्ज कराने के लिए SRN चौकी पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।